हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो एज यू नो आज 15th अगस्त है और हमारे सोसाइटी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है और आज हम बना रहे हैं आज़ादी का 76वां अमृत महोत्सव। हाँ, 76th इंडिपेंडेंस डे। बाकी चलते हैं सोसाइटी में क्या कैसे सेलिब्रेशन है वो देखते हैं। फिलहाल एज यूजुअल हम यहाँ पे अपने लिफ्ट का वेट करते हुए, जो कि बिल्कुल ही पागल हो गया पिछले 2-3 महीनों से। पहले सारे लिफ्ट ऊपर जाएंगे, फिर सारे लिफ्ट किक करके नीचे आएंगे, मतलब ये नहीं कि भाई दबा दिया तो वहीं पहुँच जाए। बाकी आज देखता हूँ जितना शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जितना भी हो वीडियो बनाऊँगा। और आज पूरा एकदम क्या स्वदेशी फील आ रहा है, मतलब मेक इन इंडिया प्रॉपर, अपने इंडियन अटायर में कुर्ता पैजामा सूट सलवार एंड सूट सलवार। बाकी मिलते हैं सोसाइटी के ऑडिटोरियम में, वहाँ देखते हैं क्या कैसे फंक्शन हो रहा है हमारे सोसाइटी में, कैसा अरेंजमेंट किया गया है। लेट्स मीट ओवर देयर। फाइनली वी हैव रीच्ड ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। हम जाते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके का क्या अरेंजमेंट है। छोटे छोटे डेकोरेशन हो रखे हैं, लाइक बलून का, फ्लैग, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये तिरंगा हमारा, हिंद की तिरंगा, जो कि आपको प्राउड फील करवाती है हर वक्त हर लम्हा। और कुछ इस तरीके से हमारी सोसाइटियाँ लग रही हैं, काफ़ी शांत लग रही है फ़िलहाल। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, ना ज़्यादा धूप है ना बादल है, बहुत सूदिंग सा है जिसमें आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अपने आज़ादी को। मतलब ऊपर वाला भी हमारी आज़ादी में संपूर्ण तरीके से हमें साथ दे रहे हैं। और आप सुन रहे होंगे धीरे धीरे आवाज़ आ रही होगी आपको सॉन्ग की। ग्रीनरी 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 रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, रोंगटे एकदम। ऐसे लग रहा है ना कि उस आज़ादी में तो हम भी लड़े थे शायद, कहीं ना कहीं हम भी रहे होंगे। हाँ, पूर्वज तो लड़े होंगे। और हम में ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम भी वहीं थे जो आज़ादी की लड़ाई हो रही थी उस वक्त। बाकी देख के तो इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे सब पहुँचे हुए आज़ादी को सेलिब्रेट करने। इससे बेहतर लम्हा क्या हो सकता है, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। जय 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे जोश से भरपूर हम चल दिए हैं परेड की ओर। और अगला जो कार्यक्रम होगा अपना वो होगा फ्लैग होस्टिंग का, जो जोश से भरपूर होने वाला है, होना भी चाहिए। आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज ने बहुत खून बहाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत पापड़े बेले हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, तब जाके ये खूबसूरत चीज़ आज़ादी हमें मिली है, जहाँ पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक पढ़ाई का, एक शिक्षा का, हर एक चीज़ का जो हक मिला है वो यहीं से मिला है। इसके लिए हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं अपने तहे दिलों से जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको नमन करता हूँ। फाइनली वो लम्हा आ गया है जब ध्वजारोहण किया जाएगा, जो कि बहुत ही गर्व की बात है, अनुभूति की बात है। बाकी हम आगे देखें, सब तालियां मिला करके उनका स्वागत करेंगे।
झंडा रोहन के लिए हमारे सोसाइटी के सबसे बड़े व्यक्ति जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं कॉलेज के, उन्हें आमंत्रित किया गया है, जो उनके लिए और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। सभी सोसाइटी के और साथ में राष्ट्रगान सभी गाएंगे मिलकर के सीधे शांतम अवस्था में खड़े होकर के। सुनिए, और ये वंदे मातरम। फसल उगाता है एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज तो दूसरा अपने धर्म का कर्ज निभाता है। मेरी लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को तुम कश्मीर मांगोगे हम ये देंगे।